हमारे यहाँ ना एक कहावत है, लात लगा कर खींचना, और ये कहावत शाहरुख खान की पठान पर एकदम फिट बैठ रही है। उनकी फिल्म लात लगा कर पैसा खींच रही है। फिल्म ने इतवार यानी 29 जनवरी तक दुनिया भर में कुल 550 करोड़ कमा लिए। भारत में पठान 29 जनवरी तक कुल 280 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। चलिए भारत में पठान का कलेक्शन कैसा रहा वो भी आपको बता देते हैं। पहले दिन यानी कि डे वन में 50 करोड़ का अनुमान था, पर फिल्म ने 57 करोड़ बटोर लिए। हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्म। डे टू यानी दूसरे दिन 71 करोड़ कमाकर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बाजा फाड़ दिया। अब तक दूसरे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड KGF 2 के नाम था, जिसने 53 करोड़ 95 लाख रुपए की ओपनिंग लेने के बाद दूसरे दिन 46 करोड़ 79 लाख रुपए कमाए थे। तीसरे दिन 39 करोड़ की कमाई। ये 26 जनवरी के बाद एक नॉन हॉलीडे वाला दिन था। फिल्म की कमाई का ग्राफ थोड़ा नीचे गिरा, लेकिन बाकियों के मुकाबले फिर भी बेहतर प्रदर्शन। डे फोर शनिवार को फिल्म ने फिर रफ्तार पकड़ी और 52 करोड़ कमाए। साथ ही भारत में 200 करोड़ का आंकड़ा छूने के मामले में सबसे तेज साबित हुई। इससे पहले KGF 2 और बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन्स ने क्रमशः पांचवें और छठे दिन ये 200 करोड़ का आंकड़ा छुआ था। डे 5 रविवार का दिन था और जनता 26 जनवरी के बाद फिर से एक बार फिल्म पर टूट पड़ी। भारत में इसका कलेक्शन 65 से 70 करोड़ के आसपास रहा, यानी भारत में पांचवें दिन तक पठान की कमाई 285 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। फिल्म बहुत जल्द दंगल की भारत में 387 करोड़ की कमाई को पीछे छोड़ सकती है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के अनुसार पूरी दुनिया में फिल्म ने 550 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया है। इंडस्ट्री ट्रैकर सेक्नल के मुताबिक इससे पहले बाहुबली 2 ने रिलीज के पांचवें दिन कुल 59 करोड़ रुपए कमाए थे। KGF 2 ने 50 करोड़ का बिजनेस किया था, यानी पठान भारतीय इतिहास में पांचवें दिन सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है। साथ ही पठान के हिंदी वर्जन ने सिर्फ 5 दिनों में ही बाहुबली 2 और KGF 2 के पहले सप्ताह के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म के हिंदी वर्जन ने करीब 270 करोड़ के आसपास पांचवें दिन ही कमा लिए हैं। तो फर्स्ट वीक कलेक्शन हिंदी वर्जन्स का कैसा रहा वो भी आपको बता देते हैं। बाहुबली 2 ने 247 करोड़ कमाए थे, KGF 2 ने 268 करोड़। पठान विदेश में भी बढ़िया कमाई कर रही है। नॉर्थ अमेरिका में इस वीकेंड पांचवें नंबर पर रही। पहले नंबर पर अवतार द वे ऑफ वाटर रही। पठान ने सिर्फ 695 स्क्रीन्स पर लगने के बावजूद पहले वीकेंड में कुल 48 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया। साथ ही फिल्म न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अवतार 2 के बाद दूसरे नंबर पर रही। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक पठान 27 से 29 जनवरी के बीच की कमाई के लिहाज से विश्व में चौथे नंबर पर रही। इस दौरान फिल्म ने कुल 440 करोड़ कमाए। पठान में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम लीड रोल में हैं। फिल्म में डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा जैसे कलाकार भी हैं। सलमान खान के कैमियो ने तो जनता का दिल जीत ही लिया। फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। मैं हूँ गर्मा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा, फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।